हम आपके लिए आज बर्गर लेके आए हैं। तो हमने ये देखिए बर्गर ले लिया है और इसके दो स्लाइस कर लिए हमने, दो काट लिए हैं। प्याज ली है हमने, टमाटर लिया है और ये हमने आलू की टिक्की ली है। जो हमने आलू उबाल लिए थे उसमें नमक मिर्च प्याज हरी मिर्च सब डाल के हमने ये टिक्की बना ली है। और ये टमाटर का केचप लिया है और ये चटनी ली है। तो आइए दोस्तों, और नमक मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। तो आइए दोस्तों, हम फटाफट बनाते हैं बर्गर। तो हमने तवा रख दिया है और हम बर्गर इसमें हम चटनी डाल रहे हैं। ये देखिए हमारे पास पीसी भी चटनी है और ये हम चटनी डाल रहे हैं देखिए। और इसके बाद हम टमाटर केचप डालेंगे। ये देखिए अब टमाटर केचप लगाएंगे हम इसके बाद। ये देखिए हम टिक्की रख देंगे और ये हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए लगा दीजिए इसके स्लाइस टमाटर के। और ये हम प्याज लगा देंगे, देखिए प्याज के स्लाइस आप चाहें तो कितने भी लगा सकते हैं। ये देखिए, और अब हम नमक मिर्च नमक मिर्च डालेंगे। जब भी ये नमक मिर्च डाल देंगे देखिए, और देखिए ये नमक डाल देंगे। नमक और मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और देखिए इसमें भी हम चटनी लगा देंगे। ये देखिए और टमाटर केचप लगा देंगे। और अब इसे हम इसमें रख देंगे। ये देखिए ये हमारा बर्गर बनके बिल्कुल परफेक्ट तरह से तैयार हो गया है। बर्गर बनके तैयार हो गया है और आप इसमें टमाटर केचप से सर्व कीजिए। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हम आ जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।